गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो एज अ टैलेंट सजेस्ट, आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ ह्यूज एथनिक हॉल, क्योंकि हमको सिर्फ बहाने चाहिए होते हैं डिफरेंट तरीके के कपड़ों को स्टाइल करने के लिए। सो आई पिक्ड अप अ बंच ऑफ पीसेस फ्रॉम मिंत्रा। बहुत सारे सो मुझसे उठ भी नहीं रहे हैं। एंड हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है जहाँ पे मिंत्रा का कोई एक ऐसा पीस है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, जिसको लेके आई वॉज सो एक्साइटेड। सो इन सभी का ट्राई ऑन होने वाला है एंड आई पिक्ड अप एवरीथिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स। अगर मैं इंडियन वेयर की बात करूँ ना, तो लिबास हैज़ टू बी माई फेवरेट। उनकी क्वालिटी, यू नो, कलर, यू नो, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं उनके पीसेस। बट यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं, तो वेरियस स्टाइल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सिंगल कुर्ती भी है, उसको कैसे स्टाइल करना है, ज्वेलरी के साथ में मिक्स एंड मैच, गोल्डन पहने या फिर सिल्वर पहने, वो भी होगा। कुर्ता सेट्स भी हैं एंड यस, दुपट्टा सेट्स भी हैं फॉर ऑल दोस पीपल जो कि प्रिफर ही नहीं करते यार, उनको सिंगल कुर्ती से लेना देना ही नहीं है, उनको पढ़ना ही नहीं है इन मिक्स एंड मैच वाली चीज़ों में। सो उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, काफी सारे स्मार्ट पीसेज भी मैंने पिक किए हैं इस बार। सभी के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए जल्दी से देखते हैं इनको कैसे स्टाइल करना है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आई वांट टू बिगिन विद दिस कुर्ती, जो कि आप लोगों को बेहद पसंद आई थी। सो मैंने ये वाली कुर्ती मेरे एक स्किन केयर हैक वाले वीडियो में डाली थी एंड यू गाइस सीम टू लव दिस सो मच। सो दिस इज कमिंग फ्रॉम द ब्रांड वेरांगा और मैंने इसमें साइज लिया है एस। ओरिजिनली इसका प्राइस है 2700 समथिंग, लेकिन अपन इतना पे नहीं किया है, दैट इज फॉर श्योर। इसका कलर प्रिंट, बांधनी प्रिंट है इस पे, इज टू डाई फॉर। और मैंने इसको व्हाइट पैंट्स के साथ में स्टाइल किया है और यहाँ पे इसके नेक पे ना काफ़ी खूबसूरत सी डिटेलिंग दे रखी है गोटा एम्ब्रॉयडरी की, और बटन्स पे भी है वही चीज़। तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि इसके साथ में गोल्डन, यू नो, ज्वेलरी नहीं जाएगी, बल्कि सिल्वर ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी। और 3-4 स्लीव्स हैं, 100% कॉटन फैब्रिक, बहुत ही सटल, सफिस्टिकेटेड और एवरीडे के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। मुझे लगा आप लोगों को इतनी पसंद आई, तो वीडियो इसी से स्टार्ट करते हैं, है ना। आई थिंक इन दिस एंटायर हॉल आई लव दिस कुर्ता सेट सो मच बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट एंड हाउ इट लुक्स ऑन मी। हल्का फुल्का साइज का इशू है, विल कम टू दैट। सो दैट इज हाउ दिस कुर्ता लुक्स लाइक। जो गोल्डन कलर्स होते हैं ना, कुछ इस तरीके के बेसिक, उसके साथ में बहुत स्कोप मिल जाता है। अगर आप हैवी ज्वेलरी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इसके साथ में पार्टी वेयर लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। इफ नॉट, जस्ट वेयर कोल्हापुरीज एंड यू नो नॉर्मल जुत्तीज एंड यू आर गुड टू गो, मतलब कैजुअल वेयर के लिए भी रेडी हो जाएगा। बट इसका जो फैब्रिक है ना, उसमें हल्की सी शाइन है, ऐसे शीन सा लगता है, जो थोड़ा सा रिचनेस ऐड करता है ओवरऑल, यू नो, इसके लुक में। मैंने इसमें लिया है साइज स्मॉल और इसका जो ओवरऑल लुक है वो मुझे बेहद पसंद आया। यहाँ पे आपको ये फ्लोरल प्रिंटेड पैंट्स इसके साथ में मिलती हैं, सेमी इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड आपको मिलता है एंड फैब्रिक है इसका आर्ट सिल्क, विच आई थिंक इस सीजन में 2-4 घंटे, लेकिन थ्रू आउट द ईयर आपको डेफिनेटली पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ओवरऑल इसकी फील बहुत महंगी एंड प्राइस सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए से भी कम, 683 रुपीज। नेक्स्ट अप, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस कुर्ता सेट विच इज कमिंग फ्रॉम माई फेवरेट ब्रांड विच इज लिबास। और इसकी क्वालिटी, मतलब इनकी क्वालिटी या फिर लिबास के जो यू नो सूट सेट्स होते हैं, उनकी क्वालिटी इन जनरल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आई बीन वेयरिंग देम सिंस लाइक ऑलमोस्ट 5-10 ईयर्स नहीं, 5-7 साल हो गए मुझे। सो आई हैव दिस शरारा सेट। सो बेसिकली इसमें आपको 3 पीसेस मिलते हैं, दुपट्टा, शरारा एंड दिस ब्यूटीफुल सी कुर्ती। सो इसका है वाइट कलर और कुछ इस तरीके के आपको प्रिंट्स मिल जाएंगे, विच इज़ सो गॉर्जियस। और मैंने इसको उठाया है तकरीबन 50% ऑफ पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसका ओरिजिनली प्राइस बहुत ज़्यादा था, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि मैंने इसके लिए कितना पे किया है। शॉर्ट कुर्ती है, साइड में स्लिट भी आपको मिलता है एंड यहाँ पे स्लीव पे इसके बहुत सुंदर सा गोटा पट्टी का वर्क है। अगर आप देखो तो इसके साथ में यू हैव टू पेयर समथिंग विच इज वेरी बेसिक इन टर्म्स ऑफ लॉन्जरे, गो विद द न्यूड कलर, बी स्मार्ट, ठीक है, वरना थोड़ा सा सी थ्रू का इशू हो सकता है इनके साथ कुछ प्रॉपी ब्राइट कलर्स पहनते हैं तो। मैंने इसमें लिया है एक्सेस साइज जो कि फिट करता है 34 को, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी फिट आ रही थी। लेकिन सरप्राइजिंगली अगर मैं बात करूँ इसके शरारा की, तो वो मुझे बहुत परफेक्टली फिट हुआ। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा साइज सेलेक्ट करना खुद के लिए। इसके शरारा का फ्लेयर इतना ज़्यादा अमेजिंग है एंड दिस दुपट्टा इज लाइक लाइक यू नो बेस्ट थिंग अबाउट दिस सूट सेट। इतना फुल साइज है और टेपिंग बॉर्डर आपको मिल जाता है ऑन दिस दुपट्टा। बेसिक घर में कुछ पूजा वगैरह हुई उसके फंक्शन के लिए आई थिंक दिस इज बेस्ट। और इसके साथ में मैंने पेयर करी है जूतीज एंड अगेन सिल्वर ज्वेलरी, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर गोटा पट्टी का वर्क है। नेक्स्ट आई हैव दिस कुर्ता सेट। इसका कलर इतना ज़्यादा फ्रेश एंड लिटरली अप्रोप्रिएट फॉर दिस सीजन एंड मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने कुछ हाउस ऑफ पटौदी से ट्राई किया है। सो इट्स अ स्ट्रेट फिट कुर्ता, साइड में स्लिट आपको मिलता है एंड ऑल्सो यू हैव वन पॉकेट, जिसकी वजह से शायद जो टमी एरिया के आसपास इसका फिटिंग था ना, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इट वॉज कम्फर्टेबल क्योंकि इसका फैब्रिक है 100% कॉटन, लेकिन
थोड़ा सा मुझे टमी एरिया के अराउंड इसकी फिटिंग थोड़ी सी अपसेट लगी। स्ट्रेट फिट कुर्ता है तो आप लंबे भी लगते हो एंड इट कम्स विद दिस काइंड ऑफ पजामी, तो मैं सोच रही हूँ इसमें साइज अप करने का। मैंने इसमें लिया है साइज एक्सेस जो कि फिट करता है 32 को, आई हैव टू गो अप विद 34 साइज तब वो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। आई हैव टू टॉक अबाउट दिस पीस एंड ऑल्सो कि मेरा जो फोकस है, जो मेरे फेवरेट ब्रांड्स हैं वो थोड़े से चेंज हो रहे हैं। फ्रॉम लिबास माई फोकस इज शिफ्टेड टू वेरांगा, क्योंकि हाउ ब्यूटिफुल द क्वालिटी ऑफ देयर फैब्रिक इज। लाइक ये वाला है आर्ट सिल्क का कुर्ता और इसको मैंने लिया है ऑलमोस्ट 74% ऑफ पे एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स अ स्ट्रेट फिट कुर्ता, हल्का सा मीडियम ट्रांसपेरेंट है बट बिकॉज ऑफ द कलर इतना प्यारा है और यहाँ पे एम्बेलिशमेंट आपको मिलता है नेक पे, यू नो घर में पूजा वगैरह हुई आप बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टाइल कर सकते हैं। मुझे ये वाला कुर्ता बेहद अच्छा लगा एंड इनफैक्ट मैंने इस पे यूट्यूब शॉर्ट भी शेयर करा हुआ है, सो आई एम श्योर आपने वो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो वो भी चेकआउट कर लीजिए। आई लव दिस पीस ओवरऑल। मैंने इसमें लिया है साइज एक्सेस जो कि फिट करता है 34 को, क्योंकि जनरली जो एक्सेस होते हैं वो 32 को फिट करते हैं, तो आपको एक बार देखना पड़ेगा अगेन साइज चार्ट में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बट दिस पीस इज अ मस्ट हैव। जैसे लिबास बहुत ज्यादा फेमस है ना मिंत्रा पे, वैसे ही सांगरिया भी है ना, आई एम श्योर आपने कुछ भी पहना होगा उसका पहले भी। आई हैव टू टॉक अबाउट दिस जो कि ऑलमोस्ट सेम कलर का लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट ये वेबसाइट पे बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था, सो डोंट गो ऑन दैट। सो ये है सांगरिया का 100% कॉटन यू नो फैब्रिक में दिस काइंड ऑफ कुर्ता। इसका फ्लेयर अमेजिंग है, इनफैक्ट जितना वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है ना उससे ज्यादा प्यारा है। और यहाँ पे आपको साइड में ना एक स्ट्रिंग भी मिलती है टू टाई अराउंड। इसका कलर इतना ज्यादा प्यारा है, इट इज परफेक्ट फॉर जैसे यू नो वेडिंग के कुछ बेसिक्स फंक्शन हो गए या फिर घर में कुछ पूजा हो गई या फिर यू नो फेस्टिवल्स में भी आप यू नो बेसिक आउटफिट अगर आप चाहते हैं इसको एक्सेसराइज कर सकते हैं, यू कैन ड्रेस इट अप ड्रेस इट डाउन कंप्लीटली। मैंने यहाँ पे हेवी सी ज्वेलरी एड ऑन करी है टू काइंड ऑफ एनहांस द ओवरऑल लुक एंड आई लव इट। इसका फिट ओके, मैंने इसमें ऑर्डर किया है एक्सेस साइज लेकिन मैं इसमें साइज अप करने वाली हूँ क्योंकि अगेन मुझे बस्ट एरिया पे बहुत ज्यादा टाइट था, इतना टाइट कि मैं कंफर्टेबल भी फील नहीं कर रही थी, सो मैंने इसका अभी टैग भी नहीं निकाला है। इसको तो मैं रिटर्न करने वाली हूँ लेकिन मैं जरूर साइज अप करने वाली हूँ बिकॉज आई लव दिस सो मच। देखो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं इनसे, लेट्स टॉक अबाउट अ स्किन कंसर्न जो कि बहुत ज़्यादा छोटा दिखता है लेकिन अगर उसको टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाए ना तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। मैं बात कर रही हूँ पोर्स की। अब देखो पोर्स क्या होते हैं, एक स्मॉल ओपनिंग होती है हमारी स्किन पे जहाँ से स्वेट रिलीज होता है। अगर पोर्स बड़े हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, लार्ज हो रहे हैं, इसका मतलब है एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन जिससे हमको एक्ने वगैरह भी फेस करना पड़ता है। सो इसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए राइट टाइम पे डर्माको ने लॉन्च करी है उनकी पोर मिनिमाइजिंग रेंज। नाउ इसमें जो आप सिरम देख रहे हैं, दिस इज पोर मिनिमाइजिंग फेस सिरम फॉर ओपन पोर्स। इसमें 4% नियासिनामाइड है, 5% PHA है। नियासिनामाइड क्या करता है, एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करता है। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि कोलाजन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, हमारी स्किन थोड़ी सी स्मूथ और टेक्सचर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सो आपको 4 से 5 ड्रॉप्स लेने हैं एंड यू हैव टू पैट इट इनटू योर स्किन। आई लव द फॉर्मुलेशन, बहुत जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाता है स्किन में और उसके बाद में आपको मूव ऑन करना है मॉइस्चराइजर पे। एंड फॉर दैट यहाँ पे है पोर मिनिमाइजिंग डेली फेस मॉइस्चराइजर फॉर ओपन पोर्स एंड वंस यू आर डन विद दिस रूटीन आपको मेक श्योर करना है दैट यू अप्लाई सनस्क्रीन। स्किन जिससे ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, आई कॉन्ट टेल यू, वो इतनी ज़्यादा फाइननेस होती है, दिस नॉट टेक्स्चर एंड स्पेशली अराउंड दिस एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं वहाँ पे तो परफेक्ट है। ऑल्सो आई कुड सी माई पोर्स श्रिंकिंग क्योंकि वो स्मूथनेस आपको तभी मिलती है राइट। मैंने इस रेंज का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू माइट वांट टू चेक आउट क्योंकि दिस एंटायर रेंज इज यू नो डिजाइन बाय डर्मेटोलॉजिस्ट एंड दे सपोर्ट फिल्टर फ्री स्किन। मतलब जो भी कंसर्न है उसको ट्रीट करो ना, एंड इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है विच मीन्स वेरी सेफ टू यूज। एक्चुअली एक और रीजन है वाई आई लव दिस ब्रांड लिटिल मोर क्योंकि जब भी आप कुछ भी परचेस करते हैं ना डर्माको से, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि एंड इनका ये प्लेजर है दैट अक्रॉस द ईयर 10,000 स्टूडेंट्स को ये एजुकेट करेंगे विच इज ये। इस इंटायर रेंज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक आउट एंड ऑल्सो यूज माई कूपन कोड विच इज सुपर 2022 एट द टाइम ऑफ चेकआउट एट द डर्माको क्योंकि इससे आपको 20% ऑफ मिलने वाला है। अमेजिंग एंड दिस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन नायका एमेजॉन फ्लिपकार्ट एंड ऑफकोर्स द डर्माको ऑफिशियल वेबसाइट, डू चेक आउट। अब देखो लिबास फेवरेट है तो एक और पीस हो जाए। सो इसमें दुपट्टा भी है, बॉटम वेयर भी है और कुर्ता भी है। सो ये टील ब्लू कलर का कुर्ता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, मंडेरियन कॉलर है, 3-4 स्लीव्स हैं और इस पे ये जो बर्न्ट गोल्डन कलर के मोटिव्स प्रिंट आपको दिख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा एड ऑन करता है इसकी रिचनेस में। इसके साथ में ये कुछ आपको बॉटम वेयर मिलता है विच आर स्ट्रेट पैंट्स और मैंने इसमें साइज लिया है एक्सेस। मुझे हल्का सा लाइक 5% मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मुझे लूज है, नॉट द बॉटम वेयर बट द कुर्ता। टेपिंग बॉर्डर आपको मिलता है दुपट्टे पे एंड यू हैव दिस ह्यूज शिफॉन लाइक पॉली शिफॉन ब्लेंड है, शिफॉन मटेरियल का दुपट्टा। आई लव दिस सेट ओवरऑल एंड आई एम श्योर मैंने इसको तकरीबन 50% ऑफ पे लिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्योंकि ओरिजिनल इसका प्राइस है 3,000 रुपए, मैंने इतना नहीं पे किया है, समवेयर अराउंड 1,300 या 1,400 रुपए इज व्हाट आई हैव पेड फॉर दिस एंड आई थिंक इट्स वर्थ एवरी पेनी।
क्योंकि इसका कलर एवरीथिंग इज जस्ट सो नाइस. आई एम श्योर मम्मी वगैरह जो होती है ना उनको बहुत पसंद आएगा ये वाला सूट बिकॉज ऑफ द कलर एंड द फिट एंड स्टाइल ओवरऑल. लव इट. नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है ये है तो बहुत ही अच्छा प्राइस वाइज क्वालिटी, लेकिन इस सीजन में आई एम अ बिट डाइसी क्योंकि इसका फैब्रिक थोड़ा सा इशू कर सकता है. सो दिस इज कमिंग फ्रॉम द ब्रांड जिया और इसमें आपको कुर्ता सेट मिलता है. इसका प्राइस देख के यू विल बी सरप्राइज विच इज ओनली 632 रुपीज. एंड फॉर दिस आई थिंक फैब्रिक थोड़ा सा अगर आप काम चला सकें तो आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए. इनफैक्ट अभी ही इस तरीके का आपको कुर्ता मिलता है और यहाँ पे व्हाइट कलर का कुछ इस तरीके का प्रिंट है विच लुक सो गुड. कुर्ते की अगर मैं बात करूँ इट इज़ अ स्ट्रेट फिट जो कि इल्यूजन देता है थोड़ा सा लंबी हाइट का. इवन आई लव यू नो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आर्म होल क्योंकि कट स्लीव्स है तो एवरीथिंग इज सो नाइस. स्टिचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. इट कम्स विद दिस काइंड ऑफ पैंट्स. इसमें भी ऑफकोर्स लाइक दोनों का ही फैब्रिक आर्ट सिल्क है विच आई थिंक कंसिडरिंग दिस सीजन थोड़ा सा गर्मी और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपको आ सकता है बट आई वॉज कंफर्टेबल. अगर दो चार घंटे की बात है तो आप डेफिनेटली काम चला सकते हैं. लव द कलर अगेन फ्रेश और स्टिचिंग फिनिशिंग इज लवली और इसमें मैंने साइज लिया है एस. प्राइस है इसका सिर्फ और सिर्फ 632 रुपीज. फॉर दिस क्वालिटी आई थिंक इट्स अ मस्ट हैव. नेक्स्ट अप आई हैव दिस कुर्ता विच इज कमिंग फ्रॉम द ब्रांड सांगरिया. अगेन आई एम इन लव विद दिस क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा प्यारा है. वेरी ब्रीदेबल फॉर दिस सीजन. अप्रोप्रिएट है. बेस्ट डिसीजन होगा अगर आप इसको ले सकते हैं तो क्योंकि इसका जो कलर है ना विच इज डार्क पर्पल कलर कैमरे पे भी अच्छा लग रहा है एंड इन जनरल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. और इसमें मैंने लिया है साइज एक्सेस. इस कुर्ते को कैजुअल से थोड़ा सा हैवी बनाने के लिए यहाँ पे रिचनेस के लिए ऐड किया हुआ है ये गोल्डन कलर का प्रिंट विच आई थिंक इज़ वेरी नाइस. और इसके साथ में आपको आइडिया लग जाता है कि गोल्डन पैंट्स विल गो परफेक्टली विद दिस. तो मैंने उसको वैसे ही स्टाइल किया है. एक दो बार छोटे मोटे फंक्शंस में पहना और उसके बाद में एवरीडे के लिए निकाल दो. फैब्रिक भी कॉटन है तो आई थिंक समर्स में तो बढ़िया मजे आने वाले हैं इसको पहन के क्योंकि यू विल बी कंफर्टेबल यू नो वेयरिंग दिस. नाउ ये जो पीस है ना आई शुड बी सेइंग इट्स अ मस्ट हैव. ये वार्डरोब स्टेपल है तो जरूर सबके पास में होना चाहिए क्योंकि व्हाइट कुर्ता सेट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ में यू कैन डू सो मच. आपके पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए. यू ऐड डिफरेंट कलर का हैवी दुपट्टा. सो दैट इज हाउ दिस कुर्ता लुक्स लाइक. यहाँ पे आपको एम्ब्रॉयडरी का एक पैनल मिलता है विच गोज अप फ्रॉम लाइक यू नो टॉप टू बॉटम. एंड ऑल्सो यहाँ पे बटन अप स्टाइल कुछ है इसका. 3-4 स्लीव्स हैं. हल्का सा मुझे सी थ्रू का ऑप्शन लगा लेकिन इसकी जो क्वालिटी है 100% कॉटन है फैब्रिक. वेरी ब्रीदेबल अप्रोप्रिएट फॉर दिस सीजन. एंड इसके साथ में आप कुछ इनर वगैरह कैरी कर सकते हैं. इसके बॉटम वेयर की भी मैं बात करूं तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. लाइक आपको मज़ा आएगा कुछ इस तरीके के आउटफिट पहन के. एंड अगेन हैवी ज्वेलरी ऐड करके कुछ पार्टी वेयर लुक्स भी क्रिएट कर सकते हैं और इसको आप सिंपल भी रख सकते हैं लाइक कैजुअल वेयर के लिए. आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि सबके पास में होना चाहिए. एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द ब्रांड अनोक और मुझे काफ़ी पसंद आया ओवरऑल इसका लुक. इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कुर्ता था जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. मैंने उसको मंगा भी लिया लेकिन इसका इतना गंदा सा फिट था. सो दिस इज़ MBE वुमेन ग्रीन कलर की सॉलिड अनारकली और इसका फैब्रिक है क्रेप. अब देखो क्रेप जो फैब्रिक है ना वो वैसे आइडियल नहीं है फॉर दिस सीजन लेकिन मैंने इसको लिया था पर्टिकुलरली इसके स्टाइल के लिए. और अगर मैं क्रेप फैब्रिक की बात करूँ मैंने बहुत पहना है. इसका फिट भाई इतना गंदा, वो कहते हैं ना बीमार पुअर, इतना गंदा फिट कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि मैं कैमरा भी इसके साथ में फेस करूँ. पहनने के बाद मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी कि मैंने इसको यार क्या सोच के लिया था और ये क्या लग रही हूँ मैं. मैं इसको ऑल्टर करने के लिए भी नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा कि ये मेरे पे अच्छा लगेगा भी या नहीं. सो आई डिडंट इवन ट्राई दिस क्योंकि इतना गंदा गंदा इधर उधर से इतना पता नहीं क्या लग रहा था जब मैंने इसको पहना था. सो हाईली डिसअपॉइंटेड. सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई एम श्योर आपको सारे पीसेस अच्छे लगे होंगे. इनफैक्ट मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे कि आपको सारे पीसेस अच्छे लगे क्योंकि कुछ पीसेस तो मुझे ही अच्छे नहीं लगे राइट. मैन आई विल मेक श्योर आई विल हैव एवरीथिंग लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी एंड फुटवेयर जो भी मैंने स्टाइल किए हैं. सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू गाइज टू गेट जो भी मैंने स्टाइल किया है. अगर आपको वो ज्यादा पसंद आता है तो आप ले भी सकते हैं उसको. एंड एज आई ऑलवेज से आई विल सी गाइज माई नेक्स्ट मंथ. टिल देन खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए. और हाँ, और ऐसे कौन से ऐसे वीडियोज हैं जो आप मुझे चाहते हैं कि मैं कुछ पीसेस ट्राई करूं या फिर किसी और यू नो टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक्स कमेंट्स में मेंशन करिए. राइम ही नहीं बन रही है. कमेंट्स में मेंशन करिए और ये भी याद रखिए आई लव यू ऑल सो मच. बाय.